आदि प्रतिजानिस मनसा वैश्वानमि भगवान आय त्रय महे प्रतिदानो युगश्व सन्नो भवति पदे शम चतुपदे। नमस्कार, लाइकर एंटीना के माध्यम से हम पहले ये चेक करेंगे कि इस घर का टोटल एनर्जी लेवल कितना है। अभी ये 3.3 वेवलेंथ पे न्यूट्रलाइजिंग प्रीवियस रीडिंग, और इसको हम वॉइस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी लेवल को। 18 सेंटीमीटर मतलब 18,000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल, और यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कहाँ मैच कर रहा है। तो ये इधर रिवर्स मतलब यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, जहाँ मैच होगा उसमें इसकी मूवमेंट जो है मेरी साइड आ जाएगी। 17,000, 16, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, वॉइस यूनिट एनर्जी है ये 8,000। यहाँ का लेवल घर का जो एनर्जी का लेवल है एट प्रेजेंट जो है 8,000 का लेवल है, जो मीडियम लेवल माना जाता है। अब इसके बाद हम एक नया प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसको फिर री स्कैन करेंगे। बस द AFTM वॉन्ड है, ये क्वांटम टूल है हमारा एनर्जी का, और इसके माध्यम से किस तरह से एनर्जी को बूस्टअप करते हैं वो टेक्निक आप देखेंगे। तो अभी मैं जो फेस कर रहा हूँ पूर्व दिशा की तरफ, ये मेरा फेस है। मैं शुरुआत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से, ईशान कोण से। तो ये क्वांटम पेन है, और क्वांटम पेन से केवल हम सिंबल्स क्रिएट करेंगे, और सिंबल्स जो है अपने आप में एनर्जी के एक सोर्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के। उससे पॉजिटिव एनर्जी एनहांस होती है घर के अंदर, वातावरण के अंदर। तो अब मैं ईशान कोण से सबसे पहले गणेश जी का जो है यहाँ पे एक यंत्र बनाता हूँ। ये अष्टदल होते हैं जो आपने गणेश यंत्र में देखे होंगे, तो ये अष्टदल बनता है। तो ये आपका गणेश यंत्र है। उसके बाद मैं इधर आता हूँ पूर्व दिशा के अंदर, और यहाँ पे मैं ओम क्रिएट करता हूँ। ये जो सिंबल है ये अपने आप में एनर्जी को क्रिएट करता है। 3 times आप ओम बना सकते हैं, 3 times ओम पूर्व दिशा में। फिर मैं अग्नि कोण में आता हूँ। अग्नि कोण में रम बीज मंत्र को आप 3 बार लिख सकते हैं। रम, ये अग्नि का बीज मंत्र है, रम। 3 times आप रम लिखेंगे। फिर आप अग्नि कोण से दक्षिण दिशा में आएंगे, और दक्षिण दिशा आकाश, आकाश का जो बीज जो है हम है, हम अक्षर को आप 3 times वो करेंगे। दक्षिण से आप नैऋत्य कोण में आते हैं, नैऋत्य कोण जो है पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे आप लम बीज को 3 times करेंगे। फिर नैऋत्य कोण से हम आते हैं पश्चिम, पश्चिम जो है वरुण का स्थान है, वरुण देवता, यहाँ पे वम बीज को हम क्रिएट करते हैं वायुमंडल में। तो ये आकृतियां होती हैं, ये अपने आप में मिरेकल होती हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट है वायव्य कोण, वायव्य कोण में यम बीज को हम क्रिएट करते हैं, यम बीज क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उत्तर दिशा की तरफ आते हैं, और उत्तर दिशा का में जो है श्री बीज मंत्र को हम करते हैं श्री। तो यहाँ पर हम श्रीम करते हैं, और ईशान से हमने यात्रा शुरू करी थी। अब जो है नीचे ब्रह्म स्थान में, यहाँ पर हम स्वस्तिक क्रिएट करते हैं, बीच में एक बिंदु। इस प्रकार से आप वायु में ही बना रहे हैं इसको। तो इस प्रकार स्वस्तिक क्रिएट करते हैं, और फिर जो ऊपर जो ब्रह्म है यहाँ पे आप इसको आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्वांटम जो एनर्जी टूल है, इसके माध्यम से सभी दिशाओं को एक्टिवेट एनर्जाइज किया जा रहा है, और हमने सभी दिशाओं में इस पेन को मूव किया है। अब हम इसके बाद जो है फाइनली अब ये देखेंगे कि यहाँ पे हम एनर्जी लेवल को कितना ऊपर उठा पाए हैं इस टेक्निक के माध्यम से। अब वापस मैं इसको सेंटर में मैंने रख दिया ब्रह्म स्थान में, और लेकर एंटीना ये क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी डिवाइस है। इसको मैं 3.3 वेवलेंथ पे
इसको न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइजिंग प्रीवियस रीडिंग। जब भी हम कुछ दोबारा रीड करते हैं तो उसको हम पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर सिस्टम वही रहेगा। 18 सेंटीमीटर मीन्स 18,000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल। यहाँ पर जब हमने स्कैन किया था 8,000 का जो है आया था, 8,000 ही था है ना। अब इसको मैं दोबारा स्कैन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है, और इस टेक्निक से हम कितना जो है एनर्जी को बढ़ा पाए हैं, तो आप देख लीजिए ये 17,000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल है। बहुत ही अच्छा माना जाता है, 17,000 यानी 8,000 से लेकर सीधा हम लोग 17,000 पर पहुंच गए हैं। सिंपली जो हमारे पवित्र चिन्ह जो है और बीज अक्षर जो है उनको वायुमंडल में और आकाश में उनको जो है क्रिएट करके हमने ये एनर्जी को जो है यहाँ पे रीजेनरेट किया है। ओम शांति।